आज का जो सवाल रखा गया है वो स्मार्ट मीटर रिलेटेड भ्रांतियाँ जो उपभोक्ताओं में फैली है उसके लिए विभाग के द्वारा जो भी कदम उठाया गया उसके उसको बताना था और स्मार्ट मीटर लगाने से जो भी फायदे हैं वो उपभोक्ताओं तक हमें पहुँचाना था। स्मार्ट मीटर लगने से और स्मार्ट मीटर और नॉर्मल मीटर में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस स्मार्ट मीटर में ये फायदा है कि मतलब रीडिंग आपका ऑटोमेटिक होता है और मैनुअल मीटर में आपको मीटर रीडर आपके घर में जाते थे, रीडिंग करते थे, उसके बाद बिल बन जाता है। स्मार्ट मीटर लगाने से उपभोक्ता दैनिक खपत अपना देख सकते हैं, उसी अनुसार अपना खपत को उनके अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। स्मार्ट मीटर लगने के और भी फायदे हैं, जो यदि ऑनलाइन भी चार्ज करते हैं और समय से पहले यदि पेमेंट करते हैं तो उनको अगले बिल में 3% का छूट मिलता है। दूसरा कि यदि आपको एक स्मार्ट मीटर में एक रीडिंग आता है जिसमें यह पता चलता है कि आपको कितने घंटा बिजली दिया गया औसतन उस मंथ में, यदि आपको 21 घंटा से कम बिजली दिया जाता है तो उसी अनुसार से आपका फिक्स चार्ज जो 80 रुपया ग्रामीण उपभोक्ताओं घरेलू उपभोक्ताओं को लगता है शहरी क्षेत्र में और 40 रुपया आपको ग्रामीण उपभोक्ताओं को लगता है ग्रामीण क्षेत्र में, तो उसी तरह से कटौती होता है। तीसरा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है उसमें पुश बटन का भी एक फैसिलिटी दिया जा रहा है जिसमें उपभोक्ता के द्वारा यदि उस समय आप रिचार्ज नहीं कर पा रहे, उनको पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो उस समय पुश बटन का यूज़ करके वो अपना 3 दिन बिजली चालू रख सकते हैं। और जिन उपभोक्ताओं पर कोई विद्युत बकाया है तो वो उसका आसान किस्तों में उनका इंस्टॉलमेंट बनेगा और उन पर कोई भार नहीं लगेगा करने के लिए। नाम पाक पता बता दीजिए। सर पहले है जो 500 रुपये में उतना ही बिजली खपत करते थे लोग, आज उतना ही बिजली खपत का 1000 रुपया लग रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, आप ये जो भ्रांति फैलाई जा रही है इसके लिए हम लोग विभाग के द्वारा जनता का ये क्वेश्चन ये स्टेप लिया गया है कि सारे सरकारी कार्यालयों में या जनप्रतिनिधि के घर पर चेक मीटर लगा दिया जाएगा, दोनों का खपत को आप देख सकते हैं और उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जो आपका नॉर्मल मीटर में जो खपत आता है और जो आपका स्मार्ट मीटर में जो खपत आता है वो दोनों सेम रहेगा और दर जो विभाग के द्वारा BRC के द्वारा तय किया जाता है उसी दर पर ग्रामीण उपभोक्ताओं का और शहरी उपभोक्ताओं का दिया जाता है। ऐसे सर भारत में कितने राज्य ऐसे हैं जिनमें स्मार्ट मीटर लगाया गया? फिलहाल मेरे नॉलेज में जो है आपका गुजरात में स्टार्ट हो गया है करने के लिए, पंजाब में भी स्टार्ट हो गया, दिल्ली सब स्टार्ट हो गया ये सब स्मार्ट मीटर लगाया। अपना नाम पता है? मेरा नाम मृणाल कुमार है, मैं वरीय प्रबंधक राजस्व विद्युत आपूर्ति अंचल पटना में प्रस्तापित हूँ। नहीं लगेगा, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, वो सब खत्म कर दिया गया। ऑटोमेटिक सुविधा ऐप पे जाइए या हमारे ऑफिस में आइए और फ्री में लोड बढ़ा लीजिए, उसका कोई चार्ज नहीं। तो ये पेनाल्टी जो आपको लग रहा था लोड भार के लिए ये नहीं लगेगा, पावर फैक्टर का जो छूट है वो मिलेगा। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इस मीटर में नहीं है वो इस मीटर में है कि आपके घर में हमने कितना देर बिजली सप्लाई किया, इसलिए कि हर घर में अलग अलग हो सकता है, कोई ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ा हो, किसी घर का फ्यूज उड़ा हो, 21 घंटे से कम किसी को हम बिजली देते हैं तो फिक्स चार्ज जो लगता है 80 रुपये पर किलोवाट उसमें उसको छूट मिलेगा। यदि हम 16 घंटे देंगे तो जो 21 घंटे का पैसा हम लेते हैं 80 रुपया, यदि 16 घंटे देंगे या 18 घंटे देंगे तो उसके अनुसार ही 80 रुपया 60 रुपया लगे या 70 या 40। तो ये तीन चीज इसी तरह से यदि 20 घंटा या 18 घंटा 16 घंटे देंगे तो 30 साठ में उससे भी छूट मिलेगा। तो ये तीन प्रकार एक बिल नहीं, ये तो 8 मीटर से चलता है, ये सब क्वेश्चन है। हर कोई कहीं भी जाइए तो सबसे पहला क्वेश्चन नहीं है स्मार्ट मीटर आपका तेज चलता है हम नहीं लगाएंगे, इसमें बिल बहुत आता है और ये तेज चलता है। तो इसके लिए हम पहले ही बहुत बैठक में जानकारी दिए हैं कि आप मेरा आप अपने पुराने मीटर को भी बगल में रखिए और हमारे स्मार्ट मीटर को भी लगाइए। आपको पुराने मीटर हम तब तक नहीं हटाएंगे जब तक आप खुद संतुष्ट ना हो जाइए कि मैं दोनों में मेरा यूनिट बराबर होगा। तेज चलने का मतलब क्या है, यानी कि स्मार्ट मीटर में ज्यादा यूनिट उठेगा तभी ना तेज चलेगा, उठेगा तब तो तेज हम पुराने मीटर को हटाएंगे पहला। दूसरा ये जानकारी रहता है कि बिल ज्यादा उठता है, तो बिल ज्यादा उठने में ये दो प्रकार के कंज्यूमर हैं अभी लगा रहे हैं। एक के यहाँ है कि पहले से बकाया है कुछ 500 हो, 1000 हो, 5000 हो, 10000 हो, ठीक है। अब दूसरा कंज्यूमर है कि 1 रुपया बकाया नहीं,
तो जिसके यहाँ एक रुपया बकाया नहीं है उसके यहाँ तो ज्यादा बिल आने का कोई बात ही नहीं उठता है, क्योंकि वो वही कटेगा जो प्रेजेंट में वो यूज कर रहे हैं। और जिनके यहाँ बकाया है, पहले क्या नियम था कि मान लीजिए 10,000 बकाया है तो एक साल में उसको लेना था 300 दिन में, तो जितना 10,000 को 300 से भागा दे देते हैं, यदि 100 रुपया या 50 रुपया पर डे आ जाता था तो वो डेली काट लेता था 50 रुपया। अब क्या है, वो नहीं, पुराना बकाया कितना भी रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब नियम आ गया है कि पुराना बकाया कितना भी हो, किसी का भी हो, पुराना बकाया को गोली मारिए, अभी पुराना बकाया से कोई बात मत कीजिए। पुराना बकाया जो प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं, जो करंट मान लीजिए आपका महीने में 200 का यूज है, तो उसका 25% जो होता है 50 रुपया, 50 रुपये को 30 से भागा दिया जाएगा, 30 से भागा दिए 50 रुपये को तो आया 1.5 रुपये, तो 1.5 रुपये रोज कटेगा वो पुराने बकाए में से, उसको जिसका बकाया है। जिसका बकाया नहीं है उसको तो जो डेली यूज करते हैं जो 1 मिनट 2 मिनट उसी का चार्ज कटेगा। तो ये कुछ लोगों को कन्फ्यूजन आ जाता है कि ज़्यादा कटता जिनके यहाँ बकाया है, ठीक है, तो उस बकाए में भी अभी मतलब मर्सी दिया गया है कि बकाए के चलते बहुत लोगों में कन्फ्यूजन हो रहा है कि बिजली बिल में पैसा ज़्यादा उठता है। पैसा जाता है कि आपका बैलेंस लो है, आप रिचार्ज कर लीजिए, फिर तीसरा दिन जाएगा, उसके बाद भी यदि पहला दिन तक भी रिचार्ज नहीं कर पाते हैं तो उसी दिन लाइन कटेगा जिस दिन कार्यालय खुले रहेंगे, और जिस दिन कार्यालय खुले रहेंगे उस दिन भी ऐसा नहीं कि शाम को और सुबह को कट जाएगा। सुबह लोग नहाता खाता धोता है तैयार होता है तो सुबह बिजली नहीं कटेगी। 10 बजे ऑफिस का टाइम है, 10, 10:15, 10:30 के आसपास यदि निगेटिव हो गया तो 10:30, 11 के आसपास लाइन कटेगी, और 1 बजे के बाद फिर नहीं कटेगी। यदि 1 बजे तक पॉजिटिव बैलेंस है तो अगले दिन फिर कटेगी, यदि अगले दिन छुट्टी है तो भी नहीं कटेगी, यदि अगले दिन ऑफिस खुला है तो अगले दिन कटेगी। तो ये कन्फ्यूजन बहुत लोगों को रहता है, कभी भी बिजली कट जाएगी माइनस बैलेंस पर, तो ये ऐसा नहीं है, ये गलत बात है कि कभी भी बिजली कट जाएगा, सिर्फ छुट्टी के दिन 10 बजे से 1 बजे के बीच ही बिजली कटेगी, ठीक है। ये कन्फ्यूजन दूर करना था हम लोग को, और एक जो बिल ज़्यादा आता है ये कन्फ्यूजन दूर करना है, और एक मीटर तेज चलता है, ये तीन तरह की धारणा है, ये तीनों को हम लोग आज यहाँ समझा रहे हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, ये तीनों बात एकदम गलत है। आप आजमाइए पहले हमारे मीटर को, उसके बाद अपनाइए। हम लोगों ने अभी मुखिया मर्ची पटना सदर में किए थे, तो मर्ची का मुखिया जी बोले कि मेरे गाँव में पहले 5 मीटर लगा दीजिए, फिर हम उसमें देखेंगे 10 दिन की दोनों में ठीक से उठता है, बराबर उठता है कि नहीं उठता है, यदि बराबर हो जाएगा तो हम पूरे गांव में लगवा लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने लगा दिया है उनके यहाँ, ठीक है, अब वो 5 दिन के बाद पूरे गांव में, क्योंकि हमारे ऑफिस में जो लगा हुआ है पिछले 1.5 साल से लगा हुआ है, दोनों नॉर्मल मीटर भी स्मार्ट मीटर भी, तो दोनों को हमने दिखाए भी थे, लोकल मीडिया पत्रकार बंधु आए थे तो दोनों का रीडिंग भी दिखाए थे, 0.02 यूनिट, यानी 1 यूनिट से भी कम का डिफरेंस था लगभग 1.5 साल में। तो यूनिट का तो, क्योंकि और एक चीज जानकारी, तो भारत सरकार द्वारा जो लाइव है, ठीक है, जो कोई मतलब किसी भी चीज़ की जांच होता है, इंडियन स्टैंडर्ड होता है, IAS अप्रूव्ड होता है, ISI, तो वो अप्रूव्ड होने के बाद ही किसी भी कंज्यूमर के यहाँ जाए, किसी भी पब्लिक, कोई भी सामान भी खाने वाला तो IAS अप्रूव्ड रहता है। तो हमारा भारत सरकार द्वारा जो लाइव है उसके द्वारा जाँच करने के बाद एक एक मीटर का जांच करने के बाद निकाला जाता है कि हाँ जाइए कंज्यूमर के यहाँ लगाइए। प्रॉब्लम दिख रहा है उसमें जो हम लोग उसको मेंशन करते हैं तो वो विभाग की तरफ से जो उसका रेक्टिफिकेशन होना चाहिए एक तो वो नहीं हो पा रहा है, हम विगत 3 सालों से इसको दे रहे हैं लेकिन नहीं होता है, उसका है लेकिन हम अगर उस बिलिंग से सर्टिफाइड नहीं है की इतना क्यों बिलिंग ज्यादा आ रहा है, जिस तरह आपने बोला की एक पुराना मीटर को लगा करके आप चेक कर सकते हैं तो ये तो हुआ नहीं। ठीक है, तो आपने मान नहीं किया होगा कि हमको पुराना मीटर लगा? नहीं, हम गए भी थे, अपने जहाँ बिजली विभाग है, वहाँ गए भी थे, उन्होंने कहा कि हम इसको देखेंगे लेकिन विगत 3 सालों से ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और कंकड़बाग का बात,
तो इसमें जो आप बोल रहे हैं कि जो एसएमएस के द्वारा पेमेंट किया जा रहा है वो नहीं आता, आज तक नहीं आया। पहले एक दिन था, दो दिन था, अब ये मैटर पूरे बिहार लेवल पे उठा तो वो सात दिन वाला अभी जस्ट मतलब स्टार्ट हुआ है। जितने भी डीएम साहब ने समस्या बताया सब नोट किया गया, सब पे काम हो रहा है। बहुत लोगों का बहुत सजेशन आया है, उसमें एक मैसेज वाला भी सजेशन आया कि नहीं मैसेज तुरंत कट जाती है बिजली बिना सूचना का, तो उसमें मतलब क्विक एक्शन लिया गया, नहीं बिना सूचना का नहीं कटेगा, सात दिन पहले मैसेज कटने वाला जो सिस्टम है वो ठीक है। नेगेटिव जल आए हम देखे हुए हैं 151 रुपए नेगेटिव कम दिया जाता है तो नहीं कटता है, और ये भी अच्छा चीज है हम खुद इसको देखे हैं कि आपका दिन में कटता है, दिन में जिस तरह आप बोल रहे हैं दिन में ही कटता है और रिचार्ज के 5 मिनट के बाद आपका आ जाता है, ये बहुत अच्छा है। ये सारे करेंगे आप मेरे साथ अभी चलिएगा। अच्छा सुनिए उधर मुखिया जी कुछ बोल रहे हैं। मुखिया जी से मुखिया बताइए आप सरकार के दिशा निर्देश जो आया सर जी आपने सबको बताया जी और हम लोग भी पालन करते हैं बिहार सरकार के दिशा निर्देश जो गाइडलाइन है जी। लेकिन इतना फोकस मीटर पर किया जा रहा है उतना कम से कम ऐसे ऐसे कुछ पंचायत भी है जहाँ 11,000 दम लचर पत्र स्थिति में है, जितना को जान चला गया जितना जानवर मर गया, लेकिन आपका विभाग उस पर कोई अंकुश नहीं लगाए। और हम लोग कई बार कहने का भी काम किया जब प्रोजेक्ट का भी काम चल रहा है, लेकिन अभी भी 11,000 बहुत ऐसे पंचायत है उपस्थित भी है, वो अपने बारे में भी बताएंगे, मैं अपने पंचायत के बारे में बताना चाहता हूँ। फतेहपुर सलावलपुर जो 11,000 आया है वो प्योर दम धरती पर सटा हुआ, कम से कम 4 जानवर मर गया, वो 3 आदमी को करंट लग गया, और एलटी का तो समस्या जो है अभी जो काम आपका चल रहा है उसको सर्वे कर देख लिया जाए मेरे पंचायत में, एलटी भी अभी पूरे नंगे स्थिति में चल रहा है। तो मीटर पर प्रश्न जो है आपने बहुत अच्छा से सब किया, मैं इसका भी अति सहमत हूँ, लेकिन इसकी भी व्यवस्था को पहले देखिए। जनता जनता जो आक्रोशित है किसी वजह से आक्रोशित है, किसी का बिल आ जाता है, ऑफिस में जाता है, दौड़ता है, थक जाता है, उस पर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बहुत ऐसे गरीब आदमी है जो चक्कर लगाते हैं आपके विभाग के, लेकिन सुना नहीं जाता है। ये पदाधिकारी को नहीं बोल रहा हूँ, निचले जो कर्मचारी है उन लोगों के पास जो जाता है वो अपने समस्या को तो सुनाता है, और सुनाने के बाद भी उसको बात को है सुना नहीं जाता है, और हम लोग ऐसे जनप्रतिनिधि को आकर कहता है, लेकिन जब हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि मुखिया जी आपको क्यों आ गए, जबकि बोल दिया जाता है सुना नहीं जाता है, तो आक्रोशित तो रहे करेगा। हम कई पंचायत की बात है कुछ हाँ और ऐसे पंचायत कुछ है, मैं अपना पंचायत की बात उठाया, लेकिन पूरे कम से कम 15 पंचायत में अगर घूमिएगा तो हमरा लगता है 11,000 ऐसा पंचायत है जिसका स्थिति लचर पचर स्थिति में सुपर मीटर क्या क्या मीटर बनाएगी मीटर हमको बताया जाए, केंद्र सरकार का परियोजना है या बिहार सरकार का, दोनों का सरकार से जरा एक क्वेश्चन जरा मेरा डाल दीजिए कि स्मार्ट मीटर सुपर मीटर कितना मीटर बनाएगी, पब्लिक के लिए क्या मीटर है, सरकार समझाने के लिए ब्लॉक बाई ब्लॉक भेज रही है कि हमको स्मार्ट मीटर बकवास करवाना है, तो हमारे पब्लिक के लिए क्या मीटर बकवास लगा रही है सरकार, क्या मीटर पब्लिक बिल है, अभी हमारे माननीय मुखिया प्रतिनिधि बोले ना कम से कम 5 आदमी का जान चला गया, जानवर छोड़िए ना, बिजली यूज कर रहे बिजली नहीं यूज कर रहे कोई पैसा ले रहा है, इंडियन लाइन कटा हुआ उसका पैसा नहीं ले रहा है, क्या इसका काट अपना सुपर मीटर इसका पैसा नहीं है, यहाँ जानवर बड़े जीतने सर।
पंचायत में सारी जो है नहीं बोले मुखिया जी के बाद कभी बोल नहीं किया। सारी तार व्यवस्था जो है सारे नंगा है। छह गांव में रिजल्ट पूरी तरह से नहीं हुआ और एक भी नहीं हुआ। सब गांव की बात नहीं बोल रहा हूँ। छह गांव में दो गांव ऐसा भी है कि उनका थोड़ा बहुत छूटा हो रहा है लेकिन बाकी गांव जो है बिल्कुल अभी सर्कल स्थिति में चल रहा है। गाँव जो अलावलपुर में जो गांव है वो पूर्णतः काम हो चुका है ऐसा नहीं है बना हुआ है लेकिन अलावलपुर रोड जो है अभी भाग में है लेकिन 3-4 हिस्से तो है ये नहीं एल टी की बात और 11,000 तो एकदम सर्कल स्थिति में है। मोमिनपुर पंचायत का अगर भ्रमण किया जाएगा इतने लोग हैं तो देश दुनिया को उजाला देने वाला सब कुछ लुटा दिया करने का मतलब कि सारा जमीन में पावर ग्रिड के चलते बड़ा बड़ा टावर लगा दिया। हम लोग लैंडलेस हो गए हैं। मेरे पास अब बसने के लिए भी जमीन उस पंचायत में रकवा नहीं बचा है कि हम अपना आवासीय भूमि को हम बर्बाद कर दिए हैं। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि बिजली विभाग हमारे साथ क्या उनका एक दुश्मनी कहे निजी दुश्मनी जैसे लगता है उनको ना आपके विभाग के साथ हम कैसा दुश्मनी कि या तो आपका खेत दखल कर लिए हैं या हमारा कुछ आप बिगाड़ दिए हैं ऐसी दुश्मनी निकाल रहे हैं आप। मीटर लगाने के क्रम में बहुत दुख के साथ कहना पड़ा कि मेरे पंचायत के 3 गांव के लोगों को आप लोगों ने नामजद एफआईआर कर दिया है। मेरा पंचायत में 6 गांव है और 3 गांव नामजद अभियुक्त हो गए हैं। बताते हैं अरे बता आप मत बोलिए आप पदाधिकारी कम आप लगता है कि फतवा में एक दंडारी करने है क्या। आप मत बोलिए आप चुप रहिए छेड़ दिए थे आज से 3 साल पहले जब टावर गिरने आया
तो मैं खुद वहां था, मुखिया नहीं था, लेकिन मैं एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूं, जो समता पार्टी काल से 94 से मैं एक सामाजिक वर्कर का जीवन जीता हूं। मैं मुखिया पूर्व में 2006 में रहा हूं, मेरी पत्नी रही है, सॉरी, मैं मुखिया पति रहा हूं। मैं 2006 में भी, तो जब मुखिया नहीं था, तो जब टावर गड़ने आया तो मैं कहा कि जान दे देंगे, टावर गड़ने नहीं देंगे। जब जब आपका जेसीबी पूरा पटना का प्रशासन पूरा ग्रिड पूरा आप लोगों ने वीडियो है, जब तत्कालीन वीडियो मजिस्ट्रेट के रूप में वहां गए थे, लेकिन मैंने कहा कि जान दे देंगे, गड़ने नहीं जाऊंगा, डीएम साहब तक कोई अब ये शुरू कर दीजिए ना, इसलिए तीन तीन गांव को आप नाम दे दिए हैं, पहले उन लोगों को आप आप नहीं सुनिएगा, आप लोकतंत्र में हम कल एक माइक कर रहे हैं। मानसिंहपुर पंचायत में हमारे प्रमुख साहब भी उसी पंचायत से हैं, तो हमारे पंचायत में यह स्थिति है कि अगर 10 मिनट बारिश हो जाता है तो 2 दिन लाइन कट जाता है, और थोड़ा सा बारिश हो जाता माने 4-5 पुल गिर जाता है, इंजीनियर साहब को फोन करते तो कहते अभी 2 दिन लगता है। फोन करता ही ना कहिए, हमू करते हैं, फोन उठ में नहीं करता है, और इसीलिए हम लोग के पंचायत में भी जो साहब पर सुनिए, हम लोग पंचायत में स्मार्ट में लगाने के लिए आए थे पूरा बल 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 से, लेकिन जनता को उड़ी स्थिति हुआ था सैदनपुर में, ग्राम इंजीनियर साहब को पता हो, तो तुरंत सब लोग हम लोग को कहना है कि जो एमपी है जो मानसिंह पंचायत में एमपी है 11,000 है जो पूरा पंचायत में जो लाइन दिया हुआ है उसको पोल से सुरक्षित कर दिया जाए। हम लोग उसी समय भी हम सब लोग ढलाई कर लगा, लेकिन हम सब जाके सब रोके, सब लोग कहे कि नहीं ठीक है, 3 मीटर है हमारा, 3 मीटर कर दीजिए, आपका स्मार्ट लगाने से कोई दिक्कत, लेकिन पहले से अभी दुरुस्त होना करना पड़ेगा तबे स्मार्ट चोरी हो गया ना, हम बोल रहे हैं जिसका जवाब आप दीजिए है वो है मीटर आप फ्री में लगाए, जो छोटा वाला मीटर था वो छोटा वाला मीटर अगर सही था तो आपने स्मार्ट मीटर चलाने का योजना जो बनाया आपने ऐलान किया कि वो छोटा मीटर खराब है उससे बिजली बढ़िया से सप्लाई नहीं दे रहा है, या सही है या गलत है आम पब्लिक को जानकारी दी नहीं, और आपने स्मार्ट मीटर लगाना शुरू कर दिया। स्मार्ट मीटर लगाए उसके पहले वाला मीटर को क्या हो गया, वो मीटर तो चालू था, और तो आपको माननीय विधायक महोदय भी फोन किया है, सितंबरपुर में एक पुल गिरा हुआ उसको आपने अभी तक नहीं सीधा किया, आपके विभाग की लापरवाही है कि नहीं है, वो आपने सीधा स्मार्ट मीटर पर जोड़ देते हैं, उससे पहले जो मीटर लगा उस मीटर में क्या था, सरकार उसको रद्द कर दिया, दोबारा उस मीटर लगा रहे हैं, क्या कारण है, यही जवाब जनता को दीजिए, यही जवाब हम सुनना चाहते हैं सदन के पूरा जवाब, ये जवाब तो सर आप जवाब दीजिए हमको, हम बैठ के नहीं हम बैठ के सुनते हैं, हम सुनते हैं क्यों लगाते हैं, तार का स्थिति जर्जर है, ये तो पता नहीं है, सब पता है सबका।
ये हमको जवाब चाहिए, या कोई सरकारी आदेश है तो चिट्ठी दिख लाइए। ना पिछला मीटर खराब था ना नया मीटर खराब है, दोनों समान है। पिछला मीटर और अभी का जो मीटर लग रहा है दोनों में बस यही अंतर है, पिछला मीटर में जो भी रीडिंग होता था, जो भी खपत होता था, उसके लिए आपके मीटर रीडर को जाना पड़ता था, वो मीटर रीडर आपका खपत नोट करते थे, उसके बाद वो सिस्टम में जाता था, उस अनुसार बिल भरता था, ठीक है, उसमें मानवीय भूल होने का चांस रहता था कि मतलब किसी का एक डिजिट हुआ, कभी दो डिजिट पर एंटर हो जाता था, लाखों का बिल आ जाता था, 50,000 का बिल आ जाता था, लोग मतलब वो बिल्कुल सही कराने के लिए एप्लीकेशन देते थे कि मतलब ऑफिस जाएंगे, वो एप्लीकेशन सबमिट होगा, उसके बाद रिपोर्ट आएगा, करेक्शन होगा। तो उसमें उपभोक्ताओं को ये सब समस्याओं से निराकरण के लिए ये जो स्मार्ट मीटर है इसमें कोई मानव हस्तक्षेप नहीं है, इसमें जो भी रीडिंग उठेगा, खपत उठेगा, वो सीधा सीधी हम सीधा सीधी हमारे सिस्टम में जाएगा और उसी अनुसार से बिल बनेगा। जब वो मानवीय भूल हट जाएगा तो आप लोग के लिए भी सुविधा है और हमारे विभाग के लिए भी सुविधा है कि उपभोक्ताओं का जो बिल त्रुटि का समस्या आती थी उससे निराकरण मिलेगा। दूसरा बात, अब जो भी नया नया पैरामीटर उसमें जो रीडिंग लिया जाता है उसमें उपभोक्ताओं के लिए भी उसमें छूट मिला है, जैसे आप यदि 21 घंटा से कम आपको विद्युत मिलेगा तो आपका जो फिक्स चार्ज लगता है डोमेस्टिक के केस में 80 रुपये पर किलोवाट, तो उसमें कटौती किया जाएगी, आपको 80 रुपये नहीं मिलेगा, जितना घंटा का बिजली मिले उसी ऑफिस से उसको घटा के आपसे चार्ज किया जाएगा। आप यदि ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो एक्स्ट्रा रिबेट आपको 0.5% का अगले बिल में मिलेगा। आप यदि आपका जो यदि बकाया राशि है, हर एक उपभोक्ता पर बकाया राशि है ना ज्यादातर, तो उसको कभी भी लाइट काट दिया जाता था, ये मीटर लगने से उन लोग को वो किस्तीकरण में मतलब जो उनका पिछला 3 महीने का जो खपत होगा उसका 25% के अनुसार उन पर चार्ज किया जाएगा, उन पर भी आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। ये सब समझ मतलब बेनिफिट्स के लिए, ये सब आपके फायदे के लिए लगाया जाता है, फायदे के लिए लगाया है। भ्रमण के दौरान पाया कि गोरी पुंडा में एक मांझी के घर में 1,00,000 का बिजली बिल आया स्मार्ट मीटर में। ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, वो आप अपना कंज्यूमर आईडी दीजिए, वो स्मार्ट मीटर के कारण नहीं होगा, उनका जो पहला जो बकाया होगा, पहले से जो बकाया होगा उसी के कारण होगा। आप एक बार बिल दे दीजिएगा, हम उसका जांच करते हैं। आप कह रहा है कि पुराना बकाया के इसमें कोई जिक्र नहीं है, किसी एक तरफ कह रहा है कि पहला जो अरे अभी आप कह रहे हैं अभी पुराना कार्ड की कोई इस पर कोई नया 25% का एक तरफ कह रहा है कि पुराना आ गया हो, पुराना बात कह रहे हैं ठीक है। पहले तो था कि डिस्कनेक्ट हो जाता था जैसे आपका रिचार्ज, अब हो गया है कि 24 घंटे तक आपको बाहर नहीं देगा, कितने दिन तक बाहर नहीं आपका। अब यदि चैलेंज निगेटिव भी हो जाता है तो ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए पहले 3 दिन का लाइन नहीं कटेगा, 7 दिन हो गए। अब किसान के धान बेचते तय आवे या गेहूँ बेचते तय आवे, यानी कौन महीना में अघन के बाद पूस में और बाद बैसाख में वो कैसे रिचार्ज करा, इसलिए उसके पास आय का साधन नहीं है, फसल ही है वो किसान के पास तो मुश्किल होगा। या तो आपका टोकता करेगा बिना बिजली, जो बिजली में रहने की आदत हो गया बिना बिजली का नहीं रहेगा, चाहे उसको चोरी करे पड़ेगा डकैती करे पड़ेगा करेगा। जब भी उनका 4 महीना ही बिल बनता है, साल में 4 बार ही उनका बिल बनेगा, जो भी IS कनेक्शन से अपना बिजली यूज कर रहे हैं उनका साल में 4 महीना ही बिल बनेगा, जब भी उनका वो फसल कटाई होता है करने के लिए उसी समय पर उनका बिल बनाएगा उनके लिए वो किया। तो एग्रीकल्चर के बात नहीं, हम किसान परिवार की बात कर रहे हैं जो घर में लगाए हुए हैं। किसान की बात जानकारी है कि आपने बिल से 750 रुपया का कटौती किया है, बिजली बिल आपने कटौती किया है, आप ये यहाँ सभा में इनकार कर रहे हैं ये बात अलग है, लेकिन बिजली बिल से उस मीटर का कीमत कंज्यूमर से वसूला गया है और उस मीटर को आपने रद्द भी नहीं किया और स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। अगर हर आदमी अगर मोबाइल से बैलेंस डालना जानता है तब तो ठीक है, अगर नहीं जानता है दूसरे के यहाँ जाता है और 75 रुपया के बिल 100 रुपया में डाल उनके लिए भी सुविधा है, जो सुविधा दे रहे हैं हत्या नहीं, उनके लिए भी सुविधा दिया जाए, ऐसा सोचिए और से
कितने मजदूर कितने किसान हैं जो अपने मोबाइल से पैसा डाल सकते हैं। ये हमारी समस्या नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं, हम अपने डाल लेंगे, लेकिन जो मजदूर है वो नहीं डाल पाएगा, जो गरीब है टोकरी उठाने वाला है वो अपने मोबाइल से पैसा नहीं डालेगा। ये समस्या है, इसके लिए हम भी समझ रहे कि सदन या सदन सक्षम नहीं है, सदन सक्षम नहीं है। आपको समस्या जमीनी स्तर पर प्रस्ताव आप निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ये गवर्नमेंट का निर्णय है, आप सक्षम बड़ी नहीं है। आप हमारी जो ग्राउंड लेवल पर समस्या है उसको विभाग को वाला भी बोल रहे हैं कि मैं उसका रिव्यू कर रहा हूँ, देख लेता हूँ अभी क्या है, देखना करिएगा कम्प्रोमाइज। ठीक है ना, सुनिए ना, आपका तीन चीज मैंने आपका नोट किया है, आप आइए मेरे पास कल आइए, हम लोग बैठ के अपना दोनों बैठ लेंगे, रंजीत जी और हम लोग बैठ के प्रेसिडेंट इंजीनियर साहब, ये पर्सनल किसी पंचायत का समस्या नहीं है, पूरे प्रखंड का समस्या है, एक वार्ड वाइज आप जांच करके उसको वही अंदर पानी जो आता है। लास्ट पेपर डुमरी जो था, पहले बता देते हैं कि पहले 100-150 किलोमीटर एक ही फीडर से चलता था, कहाँ तक जाता था, रुगनपुरा तक, इसी से जाते हैं उधर छपाक से आगे, कौन सा गांव है, सुकुलपुर, सुकुलपुर तक जाती है, इधर जो है परसा के आगे कौन सा पचरुखिया तक जाती है, पचरुखिया तक जाती है, करीब 100-150 किलोमीटर था। उसको मैंने अभी दो पार्ट में कर दिया, डुमरी के अलग कर दी, डुमरी को अलग किए हैं, और वो छपाक वाला जो विक्रमपुर है और सुकुलपुर है उसको दो किए हैं, एक और बना रहे हैं। डुमरी में जो तार जर्जर है सर को बता दीजिए, नोट कर लेते, डुमरी, भिकुआ और जेठली, ये तीन के लिए हम एक नया फीडर बना रहे हैं, महारानी चौक पंचायत को आप नोट कीजिए, जिस पंचायत में आप काम करने जाइएगा उसके पहले सारा दुरुस्त करके कीजिए, काम दुरुस्त करके ही जाएंगे, उसके लिए निश्चित रहिए, उसे हम लोग सुन लीजिए। मान लिया कि कोई पोल पहले पतला रास्ता था और बीच में आ गया है, चौड़ा रास्ता होने वो साइड करेंगे, पोल को साइड करेंगे, और उसके बाद आप किसी भी पंचायत में पूछिएगा आपको कोई नहीं रोके, आपकी सारी बातों को करते हुए हम आएंगे, ऐसा नहीं इसमें सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण फतुहा के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए तमाम नागरिकों का और आम लोगों का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आप लोग आए और शांतिपूर्वक यहां कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपनी बातों को रखा। इसमें दो तरह की बातें सामने आई है, एक तो है कि कुछ लोगों का कहना है कि बिल आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एक बिजली विभाग और एक आम आदमी के बीच उपभोक्ता का संबंध होता है, तो जो चीज़ आप यूज कीजिएगा उसका पैसा देना होगा। आप बाजार से कोई सामान खरीदते हैं तो उसका भी पैसा आपको देना पड़ता है, उसी तरह से जितना भी बिजली आप जलाइएगा यूज कीजिएगा उसका पैसा आपको देना होगा। और दूसरी बात है कि कई जगह मतलब पोल और तार की समस्या है विभिन्न क्षेत्रों में, तो उसको नोट किए हैं, ये लोग दूर करा देंगे। और दूसरी बात ये कि यह भी है कि अब जैसे एक प्राथमिकी की समस्या आ गई कहाँ मोमिनपुर में और उसके वजह से नहीं हो रहा है, तो अगर कहीं कुछ ऐसे लोगों का नाम उसमें दे दिया गया है जो उसमें जुड़े हुए नहीं हैं तो उसको हम लोग रिव्यू कर लेंगे और उसको सेटल हम लोग करा लेंगे। उसके लिए कार्यपालक अभियंता महोदय बात करेंगे, आप भी मुखिया जी बात कर लीजिएगा। और अन्य चीज़ में है जैसे अब कैसे मीटर रीड होता है, तो कुछ चीज़ें हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ सुविधा लेकर के आती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। पहले बिल आता था, फिर जमा करने आप लोग जाते थे, उसके बाद वो लोग जमा करते थे, और अब है कि सब मोबाइल से तुरंत हो जा रहा है, तो ये अच्छी बात है, बशर्ते कि सही मात्रा में मीटर बिलिंग करे, जितना आप जलाए हैं उतना ही का बिल आए तो बहुत अच्छा चीज़ है। कहीं कहीं ये भी समस्या जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाया गया कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो कैसे रिचार्ज करेंगे, तो वो एक तकनीकी समस्या है, उसका भी समाधान विद्युत विभाग के द्वारा जल्द से जल्द किया जाएगा, तो उनको कुछ ग्रेस पीरियड दिया जाए ताकि वो करा सके किसी से, या कुछ रिबेट हो सके तो वो भी दिया जाएगा। सर